एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 का ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ये पॉलीनोमियल दिया हुआ है, इसका जीरोज निकालना है और आपको रिलेशन बताना है जीरोज और कोफिशिएंट में। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसका जीरोज निकालेंगे। तो जीरोज का मतलब क्या होता है कि कौन सा एक्स के वैल्यू, कौन सा एक्स वैल्यू होगा जिससे कि एक्स का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये पूरा जो पॉलीनोमियल है वो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट लेते हैं तो कौन सा एक्स के लिए ये पॉलीनोमियल जो है वो जीरो हो जाएगा, यानी कि एफ एक्स बराबर क्या होना चाहिए, जीरो। तो यहाँ पे हम जीरो पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट बराबर जीरो। अब इसको फैक्टर मेथड से क्या करेंगे, इसका जीरो जो निकालेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स और प्लस टू एक्स और माइनस एट बराबर जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉमन ले लेंगे x, तो x माइनस फोर यहाँ पे बचेगा और यहाँ पे प्लस टू कॉमन ले लेंगे तो x माइनस फोर बचेगा इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ पे x माइनस फोर इंटू एक्स प्लस टू बराबर जीरो, तो x माइनस फोर बराबर जीरो और x प्लस टू बराबर जीरो। तो यहाँ पे x का दो वैल्यू आएगा, x बराबर फोर और x बराबर माइनस टू, यानी कि इस पॉलीनोमियल का दो जीरोज है, फोर और माइनस टू। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको जीरोज तो हमने निकाल लिया, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे अल्फा बराबर क्या हो गया, फोर और बीटा बराबर माइनस टू। इसको अब क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो इसको पहले क्या करते हैं, जोड़ते हैं सम ऑफ जीरोज। तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज का मतलब दोनों जीरो को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यानी कि फोर प्लस माइनस टू कितना आया, टू। उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फोर इंटू माइनस टू बराबर माइनस एट, और कोफिशियंट और जीरोज में एक रिलेशन है, वो कौन सा रिलेशन है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, यानी कि सम ऑफ जीरोज बराबर क्या होता है, माइनस बी वाई ए। तो यहाँ पे ये जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, इसमें ए बराबर वन है, बी बराबर माइनस टू है और सी बराबर माइनस एट। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो कर देते हैं, माइनस तो पहले से है और बी बराबर क्या है, माइनस टू, तो माइनस टू और ए बराबर है वन, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, यानी कि टू। देखिए सम ऑफ जीरोज कितना आया, टू, और यहाँ पे भी सम ऑफ जीरोज टू, तो दोनों सेम आ गया, यानी कि वेरीफाई हो रहा है। उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, सी बाई ए, तो सी का वैल्यू क्या है, माइनस एट, तो यहाँ पे माइनस एट रखेंगे और ए का वैल्यू क्या है, वन, तो ओवरऑल क्या आ गया, माइनस एट। तो यहाँ पे भी कितना आया था, माइनस एट, और यहाँ पे भी माइनस एट। तो यही क्या करना था, यही हमको करना था, इसी को बोलेंगे वेरीफाई हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से क्या करेंगे, हम इसको सोल्व करेंगे। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, क्लियर है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम प्रोसेस है। पहले इसको क्या करना है, पहले तो इसका जीरोज निकालेंगे, तो इसका जीरोज कितना आएगा, दो जीरोज आएगा, और फिर जीरोज निकाल के क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज करेंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करेंगे, फिर इसको, तो इसका अल्फा और बीटा निकल जाएगा। तो अल्फा और बीटा को क्या करना है, ऐड करना है, और अल्फा और बीटा आएगा, उसके बाद इसको जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, चलिए, तो जीरोज
का मतलब क्या होता है कि ये पॉलिनोमियल जो है क्या हो जाना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मतलब कौन सा एस का ऐसा वैल्यू होगा उसके लिए ये पॉलिनोमियल जो है वो जीरो आएगा। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका मतलब कितना जीरो हो जाएगा, दो आएगा। चलिए, तो यानी कि अगर हम इसको मान लेते हैं एफ एक्स बराबर फोर एस स्क्वायर माइनस फोर एस प्लस वन, यानी कि जीरो करना है, यानी कि एफ एक्स बराबर सॉरी यहाँ पे एस होगा, एफ एस बराबर क्या हो जाएगा जीरो। तो यहाँ पे पुट करेंगे जीरो फोर एस स्क्वायर माइनस फोर एस प्लस वन, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं फोर एस स्क्वायर माइनस फोर एस प्लस वन बराबर जीरो। चलिए अब इसको क्या करेंगे, तो यहाँ पे फोर एस स्क्वायर माइनस टू एस माइनस टू एस और प्लस वन बराबर जीरो, यहाँ से कॉमन लेंगे टू एस, टू एस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा टू एस माइनस वन, फिर यहाँ पे माइनस वन कॉमन लेंगे तो टू एस माइनस वन बराबर जीरो, टू एस माइनस वन इंटू टू एस माइनस वन बराबर जीरो। क्लियर है? चलिए टू एस माइनस वन बराबर जीरो, टू एस माइनस वन बराबर जीरो, तो एस का दो वैल्यू आएगा वन बाय टू जो कि दोनों क्या है सेम है। तो यहाँ पे अल्फा बराबर भी क्या आ गया वन बाय टू और बीटा बराबर भी क्या आया वन बाय टू। क्लियर है? चलिए अब हम क्या करेंगे इसको वेरीफाई करेंगे, तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोज करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि वन बाई टू प्लस में वन बाई टू यानी कि टू बाई टू कट जाएगा तो वन आएगा। उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वन बाई टू इंटू वन बाई टू यानी कि वन बाई फोर। चलिए अब यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल है फोर एस स्क्वायर माइनस फोर एस प्लस वन, यहाँ पे ए बराबर कितना है फोर, बी बराबर कितना है माइनस फोर और सी बराबर कितना है वन, है कि नहीं। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस में बी बाई ए, माइनस माइनस पहले से है और फिर माइनस और ए की वैल्यू कितना है फोर, यानी कि फोर बाई फोर कट जाएगा तो कितना आ जाएगा वन जो कि इसके बराबर आ गया। उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए, तो सी का वैल्यू क्या है वन और ए का वैल्यू क्या है फोर, यानी कि वन बाई फोर वन बाई फोर दोनों क्या हो गया इक्वल आ गया। सम ऑफ जीरोज वन, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए वन, ये दोनों क्या आ गया सेम आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वन बाई फोर, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी बाई ए वन बाई फोर दोनों क्या आ गया सेम आ गया। तो ये क्या हो गया हमारा वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से क्या करेंगे इसको हम वेरीफाई करेंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस में थ्री और माइनस सेवन एक्स। तो इसको क्या करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे। चलिए अब हमको क्या करना है इसका जीरो निकालना, यानी कि इक्वल्स टू जीरो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 18। अब यहाँ पे क्या लिखें, तो यहाँ पे सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस में नाइन एक्स और प्लस में टू एक्स और माइनस थ्री बराबर जीरो, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे थ्री एक्स, ठीक है सॉरी यहाँ पे हम 3x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x माइनस थ्री, ठीक है। और यहाँ पे प्लस वन कॉमन लेंगे तो 2x माइनस थ्री बराबर जीरो, 2x माइनस थ्री और 3x प्लस वन बराबर जीरो, 2x माइनस थ्री बराबर जीरो और 3x प्लस वन बराबर जीरो। तो x बराबर क्या आ गया यहाँ पे 3 बाई टू और दूसरा x बराबर क्या है माइनस में वन बाई थ्री, तो अल्फा बराबर थ्री बाई टू और बीटा बराबर में माइनस वन बाई थ्री, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे, यानी कि सम ऑफ जीरोज थ्री बाई टू प्लस में वन बाई थ्री कितना आ जाएगा
थ्री बाई टू प्लस माइनस माइनस में वन बाई थ्री, एलसीएम सिक्स आ जाएगा, है कि नहीं? एलसीएम सिक्स आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा नाइन माइनस टू, यानी कि सेवन बाई सिक्स। चलिए उसी तरह से यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, थ्री बाई टू इंटू माइनस में वन बाई थ्री, थ्री से थ्री कट गया तो माइनस में वन बाई टू आ गया। चलिए अब ये पॉलीनोमियल का ए और बी और सी का फिर निकालेंगे, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस में सेवन एक्स माइनस थ्री। तो यहाँ पे ए बराबर क्या है, सिक्स, बी बराबर माइनस सेवन और सॉरी बी बराबर माइनस सेवन और सी बराबर माइनस थ्री, अल्फा प्लस बीटा यानी कि क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए, माइनस पहले से है माइनस सेवन और ए का वैल्यू कितना है सिक्स, माइनस माइनस प्लस सेवन बाई सिक्स। देखिए यहाँ पे भी सेवन बाई सिक्स और यहाँ पे भी सेवन बाई सिक्स, दोनों क्या आ गया, सेम आ गया। उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए, तो सी का वैल्यू कितना है माइनस थ्री और ए का वैल्यू कितना है सिक्स, कट जाएगा तो यहाँ पे माइनस में वन बाई टू, यहाँ पे भी माइनस में वन बाई टू और यहाँ पे भी माइनस में वन बाई टू, दोनों क्या आ गया, सेम आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से क्या करेंगे, हम वेरीफाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, टोटल इसमें छः क्वेश्चन है, तीन क्वेश्चन बन गया है, तीन क्वेश्चन और बनाना है। है कुछ हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान है, ठीक है। हम सारे क्वेश्चन को हम इसको सॉल्व कर देते हैं, आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करके आप समझ सकते हैं। हाँ तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, फोर यू स्क्वायर प्लस में एट यू, हमको जीरोज निकालना है तो इसको क्या करेंगे, इक्वल्स टू जीरो करेंगे। यहाँ पे फोर यू कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यू प्लस टू, है कि नहीं, बराबर जीरो। यहाँ पे फोर यू बराबर जीरो करेंगे और यू प्लस टू बराबर जीरो करेंगे, तो यू बराबर जीरो आ जाएगा और यू बराबर माइनस टू आ जाएगा। अल्फा बराबर जीरो और बीटा बराबर माइनस टू, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या आएगा, सम ऑफ जीरो यानी कि जीरो प्लस टू बराबर टू, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा यानी कि जीरो इंटू माइनस टू बराबर जीरो, क्लियर है। चलिए अब क्या करेंगे, फोर यू स्क्वायर प्लस एट यू, ए बराबर क्या है फोर, बी बराबर एट, सी बराबर जीरो। अब यहाँ पे वेरीफाई करना है तो अल्फा प्लस बीटा और क्या होता है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी यानी कि माइनस एट बाई फोर। सम ऑफ जीरोज, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, देख लीजिए वो हम चेक कर रहे थे, जीरो प्लस में माइनस टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस टू, वही तो कर रहे हैं, तो यहाँ पे कट जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस टू। अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, तो सी का वैल्यू कितना है जीरो और ए का वैल्यू कितना है फोर, जीरो बाई जीरो बाई फोर जीरो। देखिए तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोज कहाँ गया, माइनस टू, सम ऑफ जीरोज माइनस टू, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जीरो, तो क्या हो गया हमारा, वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन है, टी स्क्वायर माइनस 15। चलिए इक्वल्स टू जीरो करेंगे तो यहाँ पे टी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 15। देखिए द रूट है यानी कि प्लस माइनस में हो जाएगा, तो एक टी बराबर क्या आ गया, रूट में 15 प्लस में, और एक टी बराबर क्या आ गया, माइनस में रूट अंडर 15, ठीक है।
यानी कि अल्फा बराबर रूट अंडर 15 प्लस में और बीटा बराबर माइनस में रूट अंडर 15, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसको जोड़ेंगे, यानी कि सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज करेंगे, यानी कि रूट अंडर 15 प्लस रूट अंडर 15 माइनस में कट जाएगा तो क्या आ गया, जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना आ जाएगा, रूट अंडर 15 इंटू माइनस में रूट अंडर 15, जब दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, माइनस में 15। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, तो यहाँ पे a बराबर टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर जीरो, ए बराबर क्या है 1, b बराबर क्या है 0 और c बराबर क्या है माइनस 15, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए, बी क्या है 0, a का वैल्यू 1 यानी कि 0, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, सी का वैल्यू क्या है माइनस में 15 और ए का वैल्यू 1 यानी कि माइनस 15। देखिए ये दोनों सेम, सम ऑफ जीरोज 0, सम ऑफ जीरो 0, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज माइनस 15, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज माइनस 15, वेरीफाई। तो इस तरह से क्या करेंगे हम इसको सॉल्व करेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन है, उस लास्ट क्वेश्चन को भी क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस फोर, सिक्स नंबर क्वेश्चन है, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर बराबर जीरो करेंगे, जीरो जो निकालना है तो जीरो करेंगे। चलिए अब यहाँ पे देखिए, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस क्या है, माइनस में फोर एक्स और प्लस में थ्री एक्स माइनस में फोर बराबर जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन ले लेंगे एक्स, तो क्या बचेगा थ्री एक्स माइनस फोर, और यहाँ पे प्लस वन कॉमन लेंगे तो थ्री एक्स माइनस फोर बराबर जीरो बचेगा, थ्री एक्स माइनस फोर बराबर सॉरी थ्री एक्स माइनस फोर इंटू एक्स प्लस वन बराबर जीरो। तो यहाँ पे थ्री एक्स माइनस फोर बराबर जीरो और एक्स प्लस वन बराबर जीरो, तो एक्स वैल्यू, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा फोर बाई थ्री और एक्स बराबर माइनस वन, यानी कि अल्फा बराबर अल्फा बराबर फोर बाई थ्री और बीटा बराबर माइनस वन, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज करेंगे तो क्या हो जाएगा फोर बाई थ्री और प्लस में माइनस वन, तो यहाँ पे हो जाएगा फोर माइनस थ्री डिवाइडेड बाई थ्री यानी कि वन बाई थ्री। चलिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि फोर बाई थ्री इंटू माइनस में वन यानी कि माइनस में फोर बाई थ्री, ये आ गया और ये आ गया सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब क्या करेंगे हम वेरीफाई करेंगे, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर, तो ए का वैल्यू क्या है थ्री, बी का वैल्यू क्या है माइनस वन और सी का वैल्यू माइनस फोर। अब यहाँ पे वेरीफाई करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा वाला क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी यानी कि माइनस वन, माइनस माइनस प्लस और बी का वैल्यू क्या है थ्री यानी कि वन बाई थ्री, दोनों क्या आ गया सेम आ गया यानी कि वेरीफाई हो रहा है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए, तो सी का वैल्यू क्या है माइनस फोर और ए का वैल्यू क्या है थ्री यानी कि माइनस फोर बाई थ्री और माइनस फोर बाई थ्री, क्या हो गया हमारा वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 का, एक्सरसाइज 2.2 का पहला में 6 क्वेश्चन था, हमने 6 क्वेश्चन को क्या किया सॉल्व किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे उसका दूसरा में भी, मतलब सेकंड क्वेश्चन भी है, सेकंड में भी 5-6 क्वेश्चन है, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।